नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमका के बारे में, जो कि एशिया का एक ट्रोली फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, यानी कि फाइटर जेट प्रोग्राम है। देखिए दोस्तों, अगर आप देखते हैं एशिया में चाइना के G20 को, तो वो भी ना तो पूरी तरह से स्टेल्थ है और ना ही वो फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है। और अगर आप देखते हैं रूस के जो SU-57 को, तो वो भी उसमें इंजन्स की कमी है और साथ ही उसमें इंटरनल वेपन वे भी बहुत ही मतलब छोटी संख्या में है, जिससे कि वो ज़्यादा अपने साथ हथियार जो कैरी करता है वे बाहर की साइड कैरी करता है। उसके बाद बारी आ जाती है जो साउथ कोरिया का प्रोजेक्ट है, उसमें इंटरनल वेपन वे है ही नहीं। और दोस्तों, ऐसे में भारत का जो एमका है वो पूरी तरह से एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, जो कि हर एक फिफ्थ जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से आप बात करने वाले हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसके पूरे होने से इंडियन एयरफोर्स एशिया की नंबर 1 एयरफोर्स बन जाएगी, ये तो तय है, इसमें ना कोई शक है। भारत शुरुआत में 4 से 6 प्रोटोटाइप बनाना चाहता है, जो कि 2024 में आने की आशंका है। हालांकि ये 2025 से 26 में आते, लेकिन भारत ने अब इस पर काम और ज़्यादा तेज कर दिया है। एमका फाइटर जेट हाईली स्टेल्थ और इंटरनल वेपन बे और थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आएगा। और दोस्तों, एक उम्मीद ये भी लगाई जाती है कि इसमें 3D वेक्टरिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो तो एडवांस होने ही वाली है, साथ में ये 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, जिसमें भारत लेजर टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करने की जो बातचीत कर रहा है अपनी जो कंपनियां हैं उनके साथ। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसके स्पेसिफिकेशन की नहीं, इसकी जो खूबियां हैं। तो स्टेल्थ, तो दोस्तों एमका का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही कम होने वाला है, साथ ही ये बिना कनार्ड विंग के, और इस पर जो रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल है वो भी इसे जो मतलब बराबर नहीं दिखने को ये मिलेगा रडार में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन्स की। तो एमका एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है, ये तो आप सबको पता होगा, जिसमें 2 GTRK-10 से इसे पावर दी जाएगी, या फिर भारत के पास बैकअप प्लान भी है। अगर भारत का ये इंजन सफल नहीं होता है तो भारत इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन है, उनसे इसको पावर दी जाएगी, ताकि ये 2.5 मैक की स्पीड आसानी से प्राप्त कर सके। और दोस्तों, यानी कि 2.5 मैक यानी कि 2665 किलोमीटर पर आर। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके वेपन्स की। तो हालांकि मैंने एमका के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, वेपन्स, तो इसमें एडवांस सेंसर से लैस अस्त्र होगी, साथ ही एमका में 2 इंटरनल वेपन बे होगी, जिनमें ये 4 एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकेगा, और साथ ही 2 ड्रॉप टैंक भी इसमें लगाए जाएंगे, जो कि हर एक फाइटर जेट में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं NAMCA। तो दोस्तों, नेवल एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भारत अब नेवी को भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से लैस करना चाहता है, साथ ही नेवी थोड़े बहुत चेंजेस के साथ एमका को चाहती है, जैसे कि कम वेट और फोल्डिंग विंग के साथ इसमें थोड़े बहुत चेंजेस चाहती है, और इसे अपनी जो फ्लीट है उसमें कंडक्ट करना चाहती है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके रडार की। तो एमका में ASA रडार लगेगा, भारतीय उत्तम एक बार में 20 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, और इसका वजन 110 किलोग्राम और रेंज है इसकी 150 किलोमीटर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसमें जो रेयर कैपेबिलिटीज है, जो कि दूसरे फाइटर जेट्स में नहीं है। हालांकि उनमें खूबी तो है वे, लेकिन वो केवल एक ही खूबी है, एक ही फाइटर जेट में बहुत सारी खूबियां नहीं है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं रेयर कैपेबिलिटीज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, तो F-22 रैप्टर में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नहीं है, जबकि सुखोई SU-57 में है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों फाइटर जेट्स में ये कमी है, एक में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है तो एक में नहीं है, जबकि एमका में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग
भी सपोर्ट करेगा। और साथ ही इसमें ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत 3D नोजल से भी इसको लैस करेगा और ये नोजल जिगजैग जो वे है उसमें आसानी से मूव कर सकेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एमका से रिलेटेड मेरे चैनल पर और भी वीडियो है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और उनको देखिए। और लॉकडाउन में अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है आप उनको देख के अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।